वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, विच इज माय हेयर केयर रूटीन। घर पे ही मैं सैलो जैसा हेयर स्पा करती हूँ संडेज को, तो मैं किस तरीके से सैलॉन स्टाइल हेयर स्पा करती हूँ घर पे और काफी ज्यादा अफोर्डेबल तरीके से, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और मेरे हेयर काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, हेयर क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज शेयर योर हेयर केयर रूटीन। So here I am, आज मैं अपना जो हेयर केयर रूटीन है स्पेशली मैं घर पर किस तरीके से हेयर स्पा करती हूँ वो मैं शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इस हेयर स्पा रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है, मेन वुमेन टीनेजर सभी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। काफी ज्यादा इजी है, हैसल फ्री प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है। सो मैं जो भी प्रोडक्ट्स मैं शैम्पू कंडीशनर सीरम इस्तेमाल करती हूँ सभी मैं मेंशन करूंगी। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। हेयर स्पा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है हेयर पैक। तो मैंने यहाँ पर आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, हिबिस्कस पाउडर और हीना पाउडर को एक साथ लिया है और उसे एग के साथ, वन फुल एग मतलब अंडा मैंने लिया है उसके साथ मिक्स किया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है एग से तो आप नॉर्मल खट्टा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इस तरीके का होना चाहिए। एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे हेयर कितने ज़्यादा यू नो अनहेल्दी लग रहे हैं, एंड्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा लग रहा है। सो अब मैं इस हेयर पैक को अपने होल हेयर पर अप्लाई करूँगी। सो आपको हेयर पैक हर रोज़ इस्तेमाल नहीं करना है, आप 15 डेज में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो शैम्पू कंडीशनर सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं आप जब भी हेयर वॉश करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपकी जो हेयर क्वालिटी है वो उसका उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दो बंस बनाए हैं और फिर मैं हेयर वॉश करूँगी। एंड हेयर वॉश के लिए करेंटली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ट्राइको एज, डर्मा एसेंशिया का ट्राइको एज हेयर किट। ये इस तरीके का एक पाउच के साथ आता है जिसमें 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। इस पाउच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 1 शैम्पू, 1 कंडीशनर एंड 1 सीरम। और ये जो होल किट है अलॉन्ग विद द पाउच, इसका प्राइस है 1175 रुपीज़। अभी डिस्काउंट में उनके वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो डिस्काउंट में आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं शैम्पू करती हूँ डर्मा एसेंशिया ट्राइको एज हेयर रिवाइटलाइजिंग शैम्पू से। इसके अंदर फाइटो एक्सट्रैक्ट्स, प्रो विटामिन B5, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, कफेन है। सो ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है हेयर को, काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और ये इतना अच्छे से आपके हेयर को क्लीन करता है ना, कोई भी डर्ट है, अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस है उसे भी क्लीन करता है। तो अगर आप इसे अलग से परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस होगा 345 रुपीज़। और आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ही ज़्यादा थिक है और एकदम लाइट बेबी पिंक कलर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की डर्मा एसेंशिया का ये जो ट्राइकोज हेयर केयर किट है, इसके अंदर, इस प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी तरीके का हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स जैसे सल्फेट, पैराबेन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो ये डैमेज्ड हेयर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हेयर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंडीशनर। कंडीशनर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने हेयर पर एक कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, हेयर लेंथ्स पर इस्तेमाल कीजिए, स्कैल्प पर नहीं। एंड ये जो ट्राइको एज हेयर नरिशिंग कंडीशनर है इसके अंदर एडवांस्ड फॉर्मूला है जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हेयर को मैनेजेबल बनाता है, स्पिटेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है। एंड इसके अंदर है शिया बटर, हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट जो कि शाइन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर में शाइन ऐड करता है एंड हेयर को स्ट्रेंथन करता है। सो जो मुझे बेस्ट पार्ट लगी ना इस पूरे रेंज की वो है कि प्रोडक्ट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो ये जो हेयर कंडीशनर है ना ये सिर्फ कंडीशनर है, बट ये जो हेयर क्रीम्स होते हैं ना जिस थिकनेस की वैसा इसका थिकनेस है, तो ये इंटेंसली हाइड्रेट करता है आपके हेयर को, हेयर स्प्लिटेंस, अगर हेयर एंड्स है ना तो वहाँ पर स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। एंड जो
थर्ड एंड फाइनल स्टेप है विच इज़ ऑब्वियसली हेयर सीरम. आपको अपने हेयर को वॉश करना है, उसके बाद आपको गीले बालों पर ही इस हेयर सीरम को इस्तेमाल करना है. सो ये जो हेयर सीरम है ना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है एंड द फ्रेग्रेंस इज सो गुड. मैं ना इसे सिर्फ और सिर्फ वेट हेयर पे ही नहीं, मैं ड्राई हेयर पर भी इसे इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के बाद इंस्टेंटली हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल दिखते हैं. सो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, इट्स क्वाइट थिक और काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ डर्मा एसेंशियल ट्राइको एज एडवांस्ड हेयर सीरम, जो ऑल हेयर टाइप्स के लिए है. ये पूरा हेयर किट ही मैन वुमेन सभी के लिए है. सो अगर आप इस हेयर सीरम को अलग से परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 995 रुपीज़. तो अलग से अगर आप शैम्पू, कंडीशनर, सीरम को परचेस करते हैं तो उससे बेटर है कि आप होल किट परचेस करें. पाउच भी आपको मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है किट. एंड यू कैन सी माई हेयर बिकेम इंस्टेंटली हेल्दी एंड काफ़ी ज़्यादा बाउंसी भी लग रहे हैं. एसेंशिया का जो ट्राइकोज हेयर रेंज है वो मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेयर को हेल्दी, सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल बनाता है. सो आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स मैं तो फैन बन गई हूँ इन प्रोडक्ट्स की एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दीज प्रोडक्ट्स. तो अगर आप इस हेयर मास्क जो मैंने बताया है मैं अपने घर पे किस तरीके से हेयर मास्क प्रिपेयर करके लगाती हूँ, वो स्टेप अगर आप स्किप भी करते हैं फिर भी आपके हेयर काफी ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाती है इफ यू यूज दिस हेयर केयर रेंज. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.